लाल किला हिंसा के आरोपी लखा सिधाना का एक और भड़काऊ वीडियो आया सामने। युवाओं को आंदोलन के लिए उकसा रहा है लखा। लखा सिधाना बठिंडा में 23 फरवरी को प्रदर्शन का ऐलान किया। बठिंडा में 1,00,000 लोगों के जुटने को कहा है। महाराष्ट्र के यवतमाल में आज होने वाली राकेश टिकैत की किसान महापंचायत को प्रशासन ने नहीं दी मंजूरी। कोरोना गाइडलाइंस का दिया हवाला। यवतमाल में होने वाली किसान महापंचायत को किसान नेता राकेश टिकैत करने वाले थे संबोधित। कई और किसान नेता भी होने वाले थे शामिल। मुजफ्फरनगर के बघरा में आज कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा की किसान पंचायत। कृषि बिल के विरोध में किसानों को करेंगे संबोधित। किसान बिल के विरोध में झारखंड के हजारीबाग में आज कांग्रेस की ट्रैक्टर रैली। मंत्री विधायकों के साथ लाखों की संख्या में किसान शामिल होंगे। पीकेयू अध्यक्ष नरेश टिकैत की खुलेआम धमकी। बीजेपी नेताओं को शादी ब्याह में न्योता ना भेजे किसान। न्योता दिया तो 100 लोगों के भोजन का जुर्माना। टूलकिट मामले में ग्रेटा थनबर्ग ने दिशा रवि का किया समर्थन। कहा शांतिपूर्ण समर्थन सभी का मानवाधिकार। दिशा रवि की जमानत याचिका पर आज दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई होनी है। टूलकिट मामले में हुई है गिरफ्तार। आने वाले चुनाव के लिए आज लॉन्च होगा टीएमसी का नया स्लोगन। दोपहर 12 बजे कोलकाता के टीएमसी भवन में कार्यक्रम। कोलकाता में जी हिंदुस्तान के मंच पर बोले केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो। जय श्री राम के नारे से क्यों चिढ़ती हैं ममता। दुर्गा और राम के नाम पर लड़ाई कराना चाहती हैं दीदी। जी मीडिया कॉन्क्लेव में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़। कहा मैं किसी पार्टी का नहीं बंगाल की जनता का राज्यपाल। संविधान की रक्षा मेरा कर्तव्य। चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में जारी है बीजेपी की जंग। इसी कड़ी में आज बंगाल दौरे पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। आज नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की अहम बैठक। पीएम मोदी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सभी मुख्यमंत्री इसमें शामिल होंगे। गवर्निंग काउंसिल की बैठक में शामिल नहीं होंगी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। सीएम की जगह मुख्य सचिव होंगे शामिल। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर भी नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होंगे। पंजाब के वित्त मंत्री उनकी जगह बैठक में हिस्सा लेंगे। गवर्निंग काउंसिल की छठी बैठक में पहली बार लद्दाख को मिलेगा प्रवेश। जम्मू कश्मीर की भी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में होगी भागीदारी। पूर्वी लद्दाख मामले पर भारत और चीन के बीच आज 10वें दौर की वार्ता। मोल्दो में दोनों देशों के बीच कमांडर स्तर की होगी वार्ता। जम्मू को अपना ट्रांजिट बेस बनाने की फिराक में है आतंकी। सुरक्षा बलों ने आतंकियों की साजिश का खुलासा किया है। सामने आया पाकिस्तान की क्रूरता का वीडियो। सियालकोट में इमरान की पार्टी के गुंडों ने नवाज शरीफ के समर्थकों पर गोलियां चलाई। 2 की मौत 10 से ज्यादा लोग जख्मी। अफगानी महिला अफसरों को ओटीए में दिया जा रहा है प्रशिक्षण। चेन्नई में भारतीय सेना तकनीकी समेत कई तरह की ट्रेनिंग दे रही है। व्हाट्सएप ने नई पॉलिसी स्वीकार करने की तारीख बढ़ाई 15 मई किया। नई पॉलिसी को लेकर हंगामा के बाद व्हाट्सएप ने की इसे टाल दिया है। दिल के मरीजों की जान बचाने के लिए नई तकनीक। ब्लूटूथ ICD डिवाइस से डॉक्टर को फोन पर मिलेगी दिल के मरीजों की एक एक हरकत की जानकारी। दिल्ली के इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन पर देवदूत बना CISF का जवान। हार्ट अटैक के बाद CPR तकनीक के जरिए जवान ने बचाई 45 साल के शख्स की जान। कोरोना के बढ़ते मामले के कारण महाराष्ट्र के वर्धा जिले में लॉकडाउन का ऐलान। आज रात 8 बजे से सोमवार सुबह 8 बजे तक रहेगा लॉकडाउन। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर हुई बढ़ोतरी। दिल्ली में 90.58 रुपए प्रति लीटर बिक रहा पेट्रोल। बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की बेटी सीमा मिश्रा समाजवादी पार्टी में शामिल हुई। अखिलेश यादव की मौजूदगी में ली सदस्यता। विधानसभा चुनावों में प्रत्याशी बना सकती है SP। हाथरस कांड की आज फिर होगी SC ST कोर्ट में सुनवाई। चारों आरोपियों पर चार्ज बनाने की चल रही है प्रक्रिया। उत्तर प्रदेश में ITEA करेगी 5,500 करोड़ रुपए का निवेश। नोएडा में सबसे बड़ा आउटलेट शुरू करने के लिए 850 करोड़ की खरीदी जमीन। कानपुर में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या। नवाबगंज के उजियारी पूर्वा में वारदात घटी जहां पुरानी रंजिश के चलते वारदात को अंजाम दिया गया। यूपी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी। आगरा और झांसी में मुठभेड़ के बाद एक एक बदमाश गिरफ्तार। पंचायती राज के 9,000 कनिष्ठ लिपिकों को जल्द मिलेगी पदोन्नति। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रक्रिया शुरू करने के प्रस्ताव को दी हरी झंडी। 7 निश्चय योजना को लेकर सख्त हुई नीतीश सरकार। जारी किया गया फरमान। पंचायत में नहीं पहुंचा नल का जल तो चुनाव में नहीं कर पाएंगे शिरकत। पंजाब कैबिनेट ने 1 मार्च से 10 मार्च तक बजट सत्र चलाने को दी मंजूरी। 8 मार्च को पेश किया जाएगा राज्य का बजट। चरखी दादरी के बिंदर हत्याकांड में सर्वजातीय खाप का अल्टीमेटम। मंगलवार तक नहीं हुई सभी आरोपियों की गिरफ्तारी तो बुधवार से करेंगे चक्का जाम। SCF रोहतक की टीम की फायरिंग में हुई थी बिंदर की मौत। कोटा में हवाला रैकेट का पर्दाफाश। कार से 75 लाख के कैश को बरामद किया गया। कट्टों में भरकर ले जाई जा रही थी 2,500 रुपए की करंसी। राजस्थान के पोखरण में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल थेलिना का सफल परीक्षण हुआ है। ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर से किया गया लॉन्च। 7 किलोमीटर दूर टारगेट को किया गया ध्वस्त।
आयुष्मान भारत के लाभार्थियों के लिए सरकार की पहल, पीवीसी पात्रता कार्ड फ्री में मिलेगा तो देश में किसी भी अस्पताल में इलाज कराना होगा आसान। लटके प्रोजेक्ट के निवेशकों को जल्द मिलेंगे फ्लैट, विशेष हाउसिंग फंड के तहत पहले फिनिश्ड अपार्टमेंट की डिलीवरी 1 अप्रैल को हो सकती है। पंजाब हरियाणा के किसानों के लिए बड़ा फैसला, सरकार अगले सीजन में डायरेक्ट देगी एमएसपी। भारतीय बाजार में 3200 करोड़ रुपए निवेश करेगी हुंडई, इसी पूंजी का इस्तेमाल कंपनी अपनी लाइनअप का विस्तार करने में करेगी। 1,10,000 की क्षमता वाले मोटेरा भारत इंग्लैंड डे नाइट टेस्ट के लिए तैयार, 24 फरवरी से यहां भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा तीसरा टेस्ट मैच। बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन मामले में गुजरात की एफएसएल ने खोले स्टार्स की 35 डिवाइस के लॉकर, ड्रग्स डिलीवरी के लिए डी और डू जैसे कोड इस्तेमाल करते थे। प्रियंका चोपड़ा ने पति की तारीफ करते हुए कहा कि मैंने निक जोनस को इसलिए चुना क्योंकि वो अवेयर और कॉन्शियस लगे। सिनेमाघरों में 4 जून को रिलीज होगी वर्ल्ड कप जीत की कहानी 83, रणवीर सिंह ने शेयर की रिलीज डेट। कारगिल में शूट होगा लाल सिंह चड्ढा का आखिरी शेड्यूल, बर्फ के पिघलने का इंतजार कर रही है टीम। एक्टर विवेक ओबेरॉय ने लॉन्च की 16 करोड़ की स्कॉलरशिप, जेई नीट क्रैक करने का ख्वाब देख रहे किसानों के बच्चों को होगा फायदा। हाईकोर्ट के शरण में श्वेता तिवारी के पति अभिनव कोहली के वकील ने कहा 4 साल के बेटे को पिता से मिलने नहीं दे रही है श्वेता। पाकिस्तान में अब रेप विक्टिम को मेडिकल टेस्ट और ऑटोप्सी के लिए चुकाने होंगे 25,000 रूपए, दूसरे शहर में पोस्टमार्टम की फीस भी 25,000। नौजवानों की कम हो रही है संख्या, इससे चीन परेशान, जन्म दर बढ़ाने के लिए नए कदमों पर चीन सरकार गंभीरता से विचार कर रही है।